बिलासपुर में जिलाधीश कार्यालय के बचत भवन में नगर के बाकड़ा विस्थापितों की उपायुक्त राजेश्वर गोयल की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसमें विस्थापितों ने मुख्यमंत्री को प्रेषित करने के लिए एक ज्ञापन सौंपा, जिसकी एक प्रति उन्हें भी आवश्यक कार्यवाही हेतु दी गई। बिलासपुर में जिलाधीश कार्यालय के बचत भवन में नगर के बाकड़ा विस्थापितों का उपायुक्त राजेश्वर गोयल की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसमें विस्थापितों ने मुख्यमंत्री को प्रेषित करने के लिए 8 पृष्ठों का एक हस्ताक्षरित विस्तृत ज्ञापन भी जिलाधीश को भेंट किया, जिसकी एक प्रति उन्हें भी आवश्यक कार्रवाई हेतु दी गई। सर्वदलीय बाकड़ा विस्थापित समिति के महामंत्री जय कुमार ने कहा कि विस्थापितों ने इस ज्ञापन में 13 शताब्दी पुराने बिलासपुर नगर की उनकी सारी भूमि और संपत्ति बाकड़ा बांध निर्माण के लिए ले लेने और उन्हें उजाड़ देने के बाद उनके पुनर्वास के नाम पर केवल मात्र एक 1800 वर्ग फुट का प्लॉट देकर सरकार ने अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। उन्होंने कहा कि उन्हें पड़ोसी राज्यों के हितों और देश के विकास के नाम पर उजाड़ा गया था, लेकिन भाखड़ा बांध से लाभ उठाने वाली सरकारों से विस्थापितों के हितों की रक्षा के लिए हिमाचल सरकार द्वारा कोई भी लिखित समझौता नहीं किया गया था। परिणाम स्वरूप विस्थापित पिछले 60 वर्षों से विभिन्न समस्याओं को झेलने को विवश हैं। जय कुमार ने कहा कि विस्थापितों की आहत भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने 28 जुलाई 2018 को पिछली सरकार की अतिक्रमण संबंधी बनाई गई पॉलिसी में कथित सुधार करने के लिए जो अधिसूचना जारी की, उसका विस्थापितों को कोई लाभ नहीं हुआ है और जब तक पॉलिसी की विस्थापित विरोधी सभी शर्तें हटाई नहीं जाती, तब तक किसी भी विस्थापित को कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। विस्थापित समिति ने मांग की है कि पॉलिसी की सारी शर्तों को हटाया जाए और समिति द्वारा दिए गए सुझावों के अनुरूप न्याय संगत और तर्क संगत सुधार करके विवशतावश किए गए सरकारी भूमि के उपयोग वाली भूमि को विस्थापितों के नाम नियमित किया जाए। उन्होंने कहा कि या फिर नगर का दोबारा से मिनी सेटलमेंट करने और पुराने नगर की भूमि के बदले में नए नगर की कथित अतिक्रमण वाली भूमि को समाहित करने या फिर प्लॉट के 999 वर्ष की लीज पर होने के कारण अतिक्रमण वाली भूमि को आसान लीज पर ही दिए जाने आदि की मांग की गई है, ताकि किसी भी सूरत में भाखड़ा विस्थापितों को दोबारा उजड़ने से बचाया जा सके। राजकुमार ने कहा कि नए नगर में विस्थापितों के पास एकमात्र प्लॉट है जो लीज पर होने के कारण सरकार के नाम पर है अथवा उसकी मालिक सरकार है, इसलिए उन्हें भूमिहीन घोषित करके उनके सारे सरकारी भूमि के अतिक्रमण को सरकारी नियमानुसार भूमिहीन मानकर नियमित किया जाए या फिर उन्हें भू मालिक घोषित करते हुए राजस्व विभाग को प्रमाण पत्र देने के आदेश दिए जाएं, ताकि वे धारा 118 के अधीन अनियंत्रित भूमि खरीदने के योग्य हो सके। विस्थापित समिति ने स्पष्ट किया कि क्योंकि सरकारी भूमि के सदुपयोग संबंधी मामला न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण सब जुडिस है, इसलिए विस्थापित राजस्व विभाग की अधिसूचना के अनुसार सरकार द्वारा जारी किए गए प्रार्थना पत्र को भरकर देने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को न्यायालय के निर्णय के आने तक स्थगित किया जाना चाहिए। विस्थापित समिति ने मुख्यमंत्री द्वारा विस्थापितों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए राज्य वित्त आयुक्त के अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के निर्णय का स्वागत करते हुए उनका आभार प्रकट किया और विश्वास व्यक्त किया कि विस्थापितों को आशा बंदी है कि निश्चित ही अब उनकी समस्याओं का समाधान होगा। बैठक में विस्थापितों ने भारी संख्या में भाग लिया। उपायुक्त ने विस्थापितों से सहानुभूति प्रकट करते हुए उनकी प्रत्येक समस्या का समाधान करने में पूरा प्रयास पर सहयोग करने का आश्वासन दिया। बिलासपुर नगर जो है वो भाखड़ा विस्थापितों का नगर है। 1950-60 के दशक में भाखड़ा बांध का जब निर्माण हुआ, गोविंद सागर झील बनी, पुराना शहर जो था वो गोविंद सागर में समा गया। लोगों को बसाने के लिए इस शहर का निर्माण किया गया। लोग यहाँ विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनका बसाव उचित ढंग से नहीं किया गया। उनको मात्र 1800 स्क्वायर फुट का प्लॉट देकर अब तक की सरकारों ने अपने दायित्व की इतिश्री मान ली। अब निरंतर मिल रहे झांसों से दुखी होकर उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। पिछले दिन ही उपायुक्त महोदय से विभिन्न समस्याओं को लेकर विस्थापित समिति की एक बैठक हुई है, जिसमें जिलाधीश महोदय ने अधिकांश जो स्थानीय उनकी डिफिकल्टीज हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सुलझाने का आश्वासन दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री
महोदय ने भी एक समिति का निर्माण करके एक सरकारी लेवल पर जो है वो कदम उठाया है, उसकी हमने सभी विस्थापितों ने जो है वो सराहना की है खुले मन से। और अब हमें आशा भी है कि मुख्यमंत्री महोदय निश्चित तौर पर भाखड़ा विस्थापितों की जो पिछले लगभग 60 वर्षों से चली आ रही मांगे हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनको सुलझाने का प्रयास करेंगे। हम उनके बहुत आभारी हैं।